हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो हाउ वी कैन रीड डेटा फ्रॉम अ सीएसवी फाइल। आप सीएसवी फाइल से डेटा को कैसे रीड कर सकते हो? ओके, टू रीड डेटा फ्रॉम अ सीएसवी फाइल रीडर फंक्शन ऑफ सीएसवी मॉड्यूल इज यूज्ड। ओके, तो यहाँ पे सीएसवी फाइल को रीड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम सीएसवी मॉड्यूल के रीडर फंक्शन का यूज करते हैं। सीएसवी डॉट रीडर फंक्शन रिटर्न्स अ रीडर ऑब्जेक्ट। सीएसवी डॉट रीडर फंक्शन क्या करता है? एक रीडर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, जिसका क्या काम होता है? इट लोड्स डेटा फ्रॉम द सीएसवी फाइल। वो सीएसवी फाइल से डेटा को लेता है। ओके, पासेस इट मींस उसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग में वो क्या काम करता है? इट रिमूव्स द डिलिमिटर्स एंड रिटर्न्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ पाइथन आइटरेबल्स। तो देखो, आपको पता है सीएसवी फाइल में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? आफ्टर ईच एंड एवरी वैल्यू वी हैव डिलिमिटर। ठीक है, हर वैल्यू के बाद एक डिलिमिटर यूज किया जाता है, चाहे वो हो, सेमी कोलन हो, ओके, या पाइप हो। तो डिफरेंट डिलिमिटर्स के फॉर्म में सीएसवी में वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा रीडर ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है? सीएसवी फाइल से डेटा को लेता है, लोड करता है, उसकी प्रोसेसिंग, पार्सिंग मींस उसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग में वो क्या करता है? उसके डिलिमिटर्स हटा देता है। ओके, और उसके बाद जो डेटा आता है उसको वो एक आइटरेबल की फॉर्म में, आइटरेबल क्या होता है? जिसमें हम वैल्यूज़ को आइट्रेट कर सकें, वैल्यूज़ के पास वन बाय वन जा सकें, उन्हें एक्सेस कर सकें। लाइक लिस्ट हो गया आपका, टपल्स हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तो किसी भी एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट में वो डेटा को स्टोर कर देता है। फ्रॉम वेयर वी कैन फैच वन रो ऑफ डेटा एट अ टाइम यूजिंग फॉर लूप। और जहाँ से हम क्या कर सकते हैं? डेटा को फैच कर सकते हैं एक रो को एक टाइम में। ओके, नाउ लुक एट द फिगर। यहाँ पे देखो, सीएसवी फाइल स्टोर ऑन स्टोरेज इज, आपके पास सीएसवी फाइल है, ओके, जिसका डेटा क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट, रीडर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्सेस कर रहा है, ले रहा है। ओके, अब रीडर ऑब्जेक्ट क्या करता है? इट पासिस द डिलिमिटेड सीएसवी फाइल डेटा एंड लोड्स इट इनटू एन आइटरेबल। वो क्या करेगा? सीएसवी फाइल से, रीडर ऑब्जेक्ट सीएसवी फाइल से डेटा लेगा, उसको पार्स करेगा। पास करने का मतलब है उसमें से डिलिमिटर्स को हटाएगा और उस डेटा को एक आइटरेबल फॉर्म में स्टोर कर लेगा। फाइन, अब हमारे पास डेटा आ चुका है एक आइटरेबल फॉर्म में। ओके, अब हमें क्या करना है? डेटा को एक्सेस करना है। तो किसकी हेल्प से हम एक्सेस करेंगे? हम लूप के हेल्प से एक्सेस करेंगे। ओके, नाउ लूप फॉर रीडिंग, फेच वन रो एट अ टाइम फ्रॉम रीडर ऑब्जेक्ट यूजिंग अ लूप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लूप का यूज करेंगे डेटा को रो बाय रो रीड करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। ओके, नाउ स्टेप्स टू रीड डेटा फ्रॉम अ सीएसवी फाइल। अब यहाँ पे क्या है, थ्योरेटिकल हम देख लेते हैं, देन वी विल डू इट प्रैक्टिकली कि आप डेटा को कैसे रीड करोगे सीएसवी फाइल से, राइट? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? इम्पोर्ट सीएसवी मॉड्यूल। सबसे पहले आपको क्या इम्पोर्ट करना है? सीएसवी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना है। फाइन, नाउ ओपन अ सीएसवी फाइल इन रीड मोड। अब आप क्या करोगे? फाइल को ओपन करोगे, सीएसवी फाइल को ओपन करोगे किस मोड में? रीड मोड में। यहाँ पे देखो, हमने ओपन फंक्शन का यूज किया है। एफ आपका फाइल हैंडल है, ओके, स्टूडेंट डॉट सीएसवी फाइल का नेम है, और आपने रीड मोड में अपनी फाइल को ओपन किया है, राइट? नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप रीडर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे। फाइन, तो यहाँ पे देखो, टू रीडर मेरा रीडर ऑब्जेक्ट है, और ये कैसे क्रिएट हो रहा है? यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? सीएसवी मॉड्यूल के रीडर फंक्शन का यूज करेंगे, जिसके, ओके, और उसके अंदर हम क्या पास करेंगे? फाइल हैंडल, राइट? तो जो भी आपका रिजल्ट है वो किस फॉर्म में आया है? वो आपका रीडर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आया है। यहाँ पे टू रीडर आपका क्या है? रीडर ऑब्जेक्ट है, जिसका काम क्या है? फाइल से डेटा को लेना, उसको पार्स करना और आइटरेबल फॉर्म में उसको स्टोर करना। ओके, अब देखो, द रीडर ऑब्जेक्ट पासेस द डिलिमिटेड सीएसवी फाइल डेटा। ये हमें पता है, वो क्या करेगा? सीएसवी फाइल के डेटा को पास करेगा, मतलब उसके डिलिमिटर्स को हटाएगा, एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ आइटरेबल, और उसे किसी भी आइटरेबल फॉर्म में स्टोर कर देगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? वी कैन फेच वन रो एट अ टाइम फ्रॉम रीडर ऑब्जेक्ट यूजिंग अ फॉर लूप। अब हम क्या करेंगे? रीडर ऑब्जेक्ट से डेटा को लेंगे बाई यूजिंग द फॉर लूप। अब देखो, यहाँ पे देखो, फॉर रिकॉर्ड इन स्टू रीडर, ये हमारा रीडर ऑब्जेक्ट है, और हमने वन बाय वन स्टू रीडर से रो वाइज रिकॉर्ड को लिया और उसको प्रिंट करा दिया। ओके, प्रोसेस द फर्स्ट सिंगल रो ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड। और जो हमारे पास रिकॉर्ड आया है उसको हम किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट स्टेप इज टू क्लोज द फाइल। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? फाइल को क्लोज कर दिया है। ओके, नाउ वी विल डू इट प्रैक्टिकली। अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। फाइन, तो यहाँ पे मैंने अपना आइडियली की फाइल ओपन कर ली है। लेट्स स्टार्ट
राइटिंग आर प्रोग्राम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे सी एस वी मॉड्यूल को। सी एस वी मॉड्यूल को हमने इम्पोर्ट कर लिया है। मैं फर्स्ट क्या करूँगी, राइटर फंक्शन को, राइट फंक्शन को बनाती हूँ, जिससे हम क्या करेंगे सी एस वी फाइल को क्रिएट करेंगे और इसमें डेटा को राइट करेंगे, देन वी विल रीड इट। फाइन, तो यहाँ पे एफ क्या है, मेरा फाइल हैंडल है। ओपन, अपनी फाइल का नेम मैं ले लेती हूँ स्टूडेंट डॉट सी एस वी। ओके, एंड इसको मैंने किस मोड में ओपन किया है, राइट मोड में इसको मैंने ओपन किया है। ओके, अब मैंने क्या किया है, अपनी फाइल को ओपन कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे राइट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी। ठीक है, राइटर ऑब्जेक्ट क्या करता है, डेटा को राइट करता है, और रीडर ऑब्जेक्ट क्या करता है, डेटा को रीड करता है। तो यहाँ पे स्टू राइटर मेरा क्या है, राइटर ऑब्जेक्ट है सी एस वी डॉट राइटर। ओके, एंड हम यहाँ पे सी एस वी डॉट राइटर फंक्शन में पास कर देंगे फाइल हैंडल। तो यहाँ पे देखो स्टू राइटर मेरा क्या बन गया, राइटर ऑब्जेक्ट। और राइटर ऑब्जेक्ट का क्या यूज़ है, इसकी हेल्प से आप सी एस वी फाइल के अंदर डेटा को राइट करते हैं। ओके, नाउ स्टू राइटर डॉट राइट रो। अब मैं एक लाइन इसके अंदर पहले क्या करना चाहती हूँ, राइट करवाना चाहती हूँ, तो मैंने ओनली राइट रो लिया है। ठीक है, और मैं कौन सी लाइन यहाँ पे एज अ लिस्ट इसमें एक लाइन ऐड करवा रही हूँ, रोल नंबर। ओके, एंड नेक्स्ट है मेरा नेम, देन मेरे पास है मार्क्स। फाइन, मैंने टू राइटर ऑब्जेक्ट पर एक लाइन क्या करवा दी है, राइट करवा दी है विद द हेल्प ऑफ राइट रो फंक्शन। ओके फाइन, यहां पे मैं देख लेती हूँ राइट टू राइटर डॉट राइट रो रोल नंबर। अच्छा, यहाँ पे रोल नंबर में, ठीक है, रोल नंबर नेम मार्क्स। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक लिस्ट लेंगे जिस जो क्या होगी हमारी एम्प्टी लिस्ट, जिस पे हम लेटर ऑन जाके डेटा क्या करवाएंगे, अपेंड करवाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारा वाइल लूप हम स्टार्ट करते हैं। ओके, जो कब तक चलेगा, जब तक कि हमारी चॉइस क्या है, ट्रू है, और जब तक वो क्या हो जाती है, फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़र से डेटा एंटर करवाती हूँ, रोल नंबर इंट इनपुट एंटर रोल नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारा है नेम इनपुट एंटर नेम। ओके, ऊपर भी हम कॉलम लगा देते हैं। ठीक है, ओके, एंटर नेम, और हम ले लेते हैं मार्क्स इंट इनपुट एंटर मार्क्स। फाइन, अब हमने क्या लिया है, जो भी हम यूज़र से एंटर करा रहे हैं, ओके, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट की फॉर्म में रिकॉर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रोल नंबर नेम और मार्क्स कहाँ पे स्टोर कर दिया है, लिस्ट की फॉर्म में हमने रिकॉर्ड वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब जो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट थी LST, उसमें हम ये डेटा क्या करते हैं, अपेंड करा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी, अपेंड फंक्शन के अंदर हमने पास कर दिया रिकॉर्ड को। फाइन, ओके, अब देखो लूप चलता रहेगा, हमें कहीं ना कहीं लूप को ब्रेक करना है, ये हमेशा ट्रू रहेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम अपनी चॉइस को इनपुट कराते हैं, इनपुट डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स। ओके, अगर आपकी चॉइस क्या है, अगर आपका आंसर एन है, ओके, तो आप क्या कर दोगे, ब्रेक।
तो आपका कंट्रोल कहाँ से बाहर आ जाएगा, आपका कंट्रोल बाहर आ जाएगा लूप से। ओके अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने अपना लूप कंप्लीट कर लिया है, अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा आया है वो हम राइट करवा देते हैं स्टू राइटर में। स्टू राइटर और किसकी हेल्प से, राइट रोज फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया एलएसटी लिस्ट और हमने अपनी फाइल को क्या कर दिया एफ डॉट क्लोज। ओके तो ये हमने राइट फंक्शन कर लिया है। ओके अब हम क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं पहले, क्योंकि जो भी डेटा हम इसके अंदर राइट कराएंगे वो हम रीड कर लेंगे रीड फंक्शन की हेल्प से। ये मैंने रीड फंक्शन यहाँ पे यूज किया रीड, उसमें हम क्या करते हैं फाइल को ओपन करते हैं। फाइन हमने अपनी फाइल को ओपन किया स्टूडेंट डॉट सी एस वी फाइल, किस मोड में, रीड मोड में। ओके अब यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप क्या लोगे, आप रीडर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे। तो मेरा स्टू रीडर क्या है, रीडर ऑब्जेक्ट है, जो कैसे बनेगा सी एस वी डॉट रीडर फंक्शन की हेल्प से रीडर, और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे अपना फाइल हैंडल पास करेंगे। ठीक है सी एस वी डॉट रीडर फंक्शन, फाइन। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या है, रीडर ऑब्जेक्ट बन गया है, रीडर ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा इटरेबल फॉर्म में। अब मुझे क्या करना है, वो डेटा चाहिए तो मैं क्या यूज़ करूँगी, फोर लूप यूज़ करूँगी, फोर आई इन टू रीडर आर ई ए डी ई आर टू रीडर। ओके प्रिंट प्रिंट आई। ओके हमारा बन गया है। अब इन द एंड हमें क्या करना है, राइट फंक्शन को कॉल करेंगे और रीड फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है अपनी फाइल को सेव करते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं फाइल 10। ओके ओके नाउ वी विल रन इट। आपके पास आ गया है रोल नंबर, रोल नंबर 1, नेम दीप्ति, मार्क्स 90। ओके देन टू रोल नंबर 2, नेम नेहा, मार्क्स 80। ओके एक रिकॉर्ड और ले लेते हैं, रोल नंबर हम लेते हैं 3, नेम रोहित एंड मार्क्स 70। फाइन अब कर देते हैं नो। तो देखो आपका डेटा रीड होके आ गया है, रीड होके आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो हर लाइन के बाद एक एम्प्टी लाइन भी आई है। ठीक है एक एम्प्टी लाइन आई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने न्यू लाइन करेक्ट, जब हमने फंक्शन को राइट किया था तो हमने न्यू लाइन जो आर्ग्यूमेंट है उसका यूज़ नहीं किया था। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया है, इन द एंड स्लैश आर स्लैश एन को रीड किया है, कैरियर रिटर्न को यूज एंड लाइन फीड को रीड किया है। ओके और यू कैन से एंड ऑफ लाइन करेक्टर को रीड किया है। अगर आप चाहते हो कि एंड ऑफ लाइन करेक्टर ना आए, ठीक है रीड होके ना आए, तो हम क्या करते, इसके दो मेथड है, या तो आप जब राइट कर रहे हो तब आप न्यू लाइन करेक्टर को क्या कर दो, स्पेसिफाई कर दो, मतलब न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट को स्पेसिफाई कर दो। ओके जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल एस, फाइन। अब देखो अगर मैं अब इसको रन करती हूँ, रन मॉड्यूल, देखो अब यहाँ पे राइट फंक्शन फिर से कॉल हुआ है, फिर से आपको डेटा राइट करना पड़ेगा, क्योंकि राइट फंक्शन क्या करता है प्रीवियस डेटा को डिलीट कर देता है। रोल नंबर 1, नेम ले लो नेहा, मार्क्स 90। रोल नंबर 2, नेम ले लो पूजा, ओहो रोल नंबर की जगह पे मैंने पूजा नेम ले लिया, सॉरी। इसको फिर से हम करते हैं रन, रन मॉड्यूल। ओके रोल नंबर 1, नेम ले लो नेहा, ओके एंड मार्क्स 90। यस रोल नंबर 2, नेम पूजा, मार्क्स 90 अगेन। यस नेम ले लो 3, ये ले लिया मैंने रोहन, नेम एंड मार्क्स ले लिए 60। अब मैंने कर दिया नो।
अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया है, न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट की हेल्प से क्या किया है, एंड ऑफ लाइन करेक्टर को सप्रेस कर दिया, वो रीड नहीं हुआ है। ठीक है, एक तो मेथड फर्स्ट आपका ये हो गया कि आप राइट करते टाइम न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट को, एंड ऑफ लाइन को आप क्या कर दो, यहाँ पे अगर हम न्यू लाइन इक्वल्स टू क्या कह देते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग देते हैं, तो इससे आपका एंड ऑफ लाइन करेक्टर रीड नहीं होता है। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया, अगर आप ये मेथड नहीं कर रहे हो ठीक है राइट करते वक्त, फाइन, तो आप नेक्स्ट क्या करोगे, आप रीड करते टाइम स्पेसिफाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे जैसे रीड करते टाइम मैं स्पेसिफाई कर दूँ कि न्यू लाइन करेक्टर क्या है हमारा, न्यू लाइन है यहाँ पे हमारा स्लैश आर स्लैश एन, जो पाइथन के अंदर कैसे रीड होता है, एज अ एम्प्टी लाइन। ओके, इसका एंड ऑफ पाइथन के अंदर अगर आप स्लैश आर स्लैश एन ले रहे हो तो कैसे रीड होगा, एज अ एम्प्टी लाइन। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करता है, रीड करते टाइम एंड ऑफ लाइन को रीड करा दिया है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, रन मॉड्यूल, अगेन राइट फंक्शन कॉल हुआ है, पहले तो हमने राइट किया वन, नेम ले लो आप रोहन, मार्क्स 90, यस, रोल नंबर 2, नेम मैंने ले लिया यहाँ पे गीतिका, मार्क्स 70, यस, नेम रोल नंबर 3, नेम मैंने ले लिया यहाँ पे प्रणव, ओके, एंड मार्क्स हो गए यहाँ पे 80, ओके, एंड हमने कर दिया नो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लाइन गैप नहीं आया है, जब आपने क्या किया है, आपने रीड करते टाइम न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट को स्पेसिफाई किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट को स्पेसिफाई किया है और इसको रीड करा दिया है स्लैश आर स्लैश एन, जो पाइथन में अगर हम इसे रीड करेंगे तो ये एज अ एम्प्टी लाइन रीड होता है। ठीक है, तो हेयर यू हैव डन हाउ वी कैन रीड डेटा फ्रॉम अ सीएसवी फाइल। ओके, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। Till then, keep watching, share my videos if you like my videos and subscribe my channel. Thank you so much.